इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे सिन्हा का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर एक। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में से प्रत्येक का विभेद कर अर्थात विवेचन डी का मान लिखें। हमें डी का मान निकालना है। तो डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, यदि कोई द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप में है, तो यहां जो डी का जो मान होता है वो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। यदि हमारा कोई द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है तो हमारा जो डी का अर्थात जो विभेदकर होता है या हम उसे विवेचक कहते हैं वो होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इन्हीं फॉर्मूला का उपयोग करके हमें यहाँ इन सबों का डी का मान निकालना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो एक है, यहाँ एक्स का गुणांक चार है और यहाँ सी का जो मान है वो तीन है। तो हम सबको अलग अलग लिख लेते हैं, अर्थात ए बराबर हो जाएगा एक, बी बराबर हो जाएगा चार और सी बराबर हो जाएगा तीन। तो अब मेरा फॉर्मूला हो गया डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब बी के जगह चार रखेंगे तो चार का स्क्वायर माइनस, तो माइनस अब चार है तो चार गुना ए, ए के जगह एक लिखेंगे और गुना सी, सी के जगह हम तीन लिखेंगे। अब इसे हल कर लेते हैं तो चार का स्क्वायर हो जाएगा सोलह। अब चार के स्क्वायर का मतलब होता है चार गुना चार, अर्थात ये चार चौका सोलह माइनस चार के चार और चार दिया बारह, अर्थात सोलह से बारह घटाएंगे तो चार, ये हमारा आंसर ये हो गया। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर दो को हल करेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो चार है, एक्स का गुणांक पांच है और यहाँ ये सी है, अर्थात ए बराबर हो जाएगा चार, बी बराबर हो जाएगा पांच और सी बराबर हो जाएगा सात। तो हमारा फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब बी के जगह यहाँ बी का मान पांच है तो यहाँ हम बी के जगह पांच रखते हैं, ये पांच का स्क्वायर माइनस चार गुना ए, ए का मान चार है और गुना सी, सी के जगह हम सात रखेंगे। अब पांच का जो स्क्वायर हो जाएगा वो पच्चीस हो जाएगा और माइनस ये चार चौका सोलह और सोलह सोलह सते एक सौ बारह हो जाएगा। अब इसे हम घटा लेते हैं, बारह से पांच गया सात, ये बचेगा दस से दो गया आठ, ये हमारा माइनस में सतासी हो जाएगा, ये हमारा डी का मान मिल गया। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर तीन को हल करेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो दो है, यहाँ एक्स का गुणांक चार है और यहाँ ये सी हो गया। तो अब ए का मान दो, बी बराबर चार और सी बराबर हो गया पांच। अब यहां से हम डी का मान निकाल लेते हैं तो डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर सी। अब बी के जगह चार है तो चार का स्क्वायर लिखेंगे माइनस चार गुना ए के जगह दो लिखेंगे और गुना सी के जगह पांच लिखेंगे। अब चार का जो स्क्वायर हो जाएगा वो सोलह हो जाएगा और माइनस चार गुना आठ, आठ पंचे चालीस, अर्थात ये माइनस में चौबीस हो जाएगा। यहां जो हमें डी का मान मिल गया वो माइनस में चौबीस मिल गया। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर चार को हल करेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो तीन है, अर्थात ए बराबर तीन, एक्स का गुणांक पांच जो बी बराबर हो जाएगा पांच और सी बराबर हो गया छ, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब बी के जगह पांच तो पांच का स्क्वायर माइनस चार गुना ए, ए के जगह तीन गुना सी के जगह छ, अब पांच का स्क्वायर पच्चीस माइनस ये चार तीन बारह, बारह छह बहत्तर, अर्थात ये माइनस में बारह से पांच गया सात हो जाएगा, छह से दो गया चार, अर्थात ये माइनस में सैतालीस हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर पांच को हल करेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो रूट तीन है, अर्थात ए बराबर रूट तीन, बी बराबर माइनस में दो रूट दो और सी बराबर माइनस दो रूट तीन हो जाएगा। तो अब डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो अब बी के जगह रखेंगे माइनस दो रूट दो का स्क्वायर माइनस तो माइनस, अब यहाँ चार गुना ए, ए के जगह लिखेंगे रूट दो और सी के जगह माइनस में दो रूट तीन। अब माइनस का जो स्क्वायर हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, दो का स्क्वायर हो जाएगा चार गुना रूट दो का दो
माइनस और माइनस, ये प्लस हो जाएगा। अब ये चार दुना आठ, और रूट दो से रूट तीन में तो रूट छ हो जाएगा। अब ये चार दुना आठ प्लस आठ रूट छ, हम यहां से इसमें भी आठ है इसमें भी आठ है, आठ कॉमन कर लेंगे तो एक जो रूट छ, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है या नहीं, हमें ये जांच करना है। हमें जो ये समीकरण दिया गया है हमें जांच करना है कि इसका मूल वास्तविक है या नहीं। तो मूल वास्तविक कब होता है, इसके लिए कंडीशन है जब डी का मान, जब डी का मान जीरो के बराबर हो जाए, जब डी का मान जीरो के बराबर हो जाए, या फिर जब डी का मान जीरो से बड़ा हो जाए, जब डी का मान जीरो के बराबर हो जाए या डी का मान जीरो से बड़ा हो जाए, तब ऐसी स्थिति में मूल वास्तविक होता है। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एक को हल करते हैं। यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक सात है तो ए बराबर हो जाएगा सात, एक्स का गुणांक आठ है तो बी बराबर हो जाएगा आठ, और ये सी बराबर हो जाएगा माइनस एक। तो अब d बराबर फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब b के जगह 8 है तो 8 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 7 है तो 7 गुना c के जगह माइनस 1 है तो हम माइनस 1 रखेंगे। अब 8 का स्क्वायर 64 और माइनस प्लस 7 चौका 28। अब ये 8 4 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा, 6 2 8 और ये 9, अर्थात यहाँ जो d का मान है वो 0 से बड़ा है। इसका मतलब है कि इसका मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है, वास्तविक है, इसका मूल वास्तविक है। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर दो को हल करेंगे। यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक दो है अर्थात ए बराबर दो, एक्स का गुणांक तीन अर्थात बी बराबर तीन, और सी बराबर हो जाएगा चार। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो b के जगह तीन रखेंगे तो तीन का स्क्वायर माइनस चार गुना a के जगह दो, और यहाँ c के जगह चार। अब तीन का स्क्वायर नौ माइनस चार दुना आठ, आठ चौका बत्तीस, अर्थात माइनस में हो जाएगा इक्कीस। बारह से नौ गया और तीन, ये माइनस में तेईस हो जाएगा। अब यहाँ जो हमारा d का मान आ गया वो माइनस में आ गया, अर्थात वो जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा है। डी का जो मान आ गया वो जीरो से छोटा है, तब इसका मूल वास्तविक नहीं होगा, नहीं होगा, इसका मूल वास्तविक नहीं होगा। अब इसी प्रकार हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीन को। तो ए बराबर हो जाएगा एक, चूंकि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो एक है, d बराबर माइनस बारह और c बराबर माइनस में 16 हो जाएगा। तो अब d बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब b के जगह माइनस बारह रखेंगे तो माइनस बारह का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस तो माइनस, अब ये चार गुना a के जगह रखेंगे एक, और c के जगह माइनस 16 रखेंगे तो माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, और 12 का 144, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 16 चौका 64। अब जोड़ लेते हैं, 4 4 8, 6 4 10 के 0 हासिल 1 2। यहां जो d का मान आ गया वो 0 से बड़ा है, इसका मतलब है कि इसका मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा, इसका मूल वास्तविक होगा। इसी प्रकार हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यहां एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो x है, x का गुणांक 1 है, अर्थात a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर माइनस 1 होगा। तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4 ac। अब हम b के जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a के जगह 1 और c के जगह माइनस 1, तब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 4 * 4, अर्थात 4 और 1 हमें मिला 5। यहां जो d का मान आ गया वो 0 से बड़ा है, d का मान 0 से बड़ा है, इसका मतलब है कि इसका मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा, इसका मूल वास्तविक होगा। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। यहां a बराबर
एक हो जाएगा, क्योंकि x का स्क्वायर का जो गुणांक है वो एक है, यहाँ एक लिखेंगे, b बराबर माइनस दस और c बराबर हो जाएगा दो, क्योंकि x का गुणांक माइनस दस है और यहाँ c की जगह दो है, तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस फोर c। अब हम b की जगह रखेंगे माइनस दस, तो माइनस दस का स्क्वायर माइनस चार है, तो चार गुना ए की जगह एक और सी की जगह दो, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और दस का स्क्वायर सौ, माइनस चार गुना आठ घटा लेंगे तो हो जाएगा बानवे। यहाँ भी डी का मान आ गया जीरो से बड़ा, इसका मतलब है कि इसका भी जो मूल होगा, मूल वास्तविक होगा, इसका भी मूल वास्तविक। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल पुनरावृत्ति है या नहीं। पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेड, इसका मतलब ये होता है कि हमें जो d का मान है वो जीरो आना चाहिए, d का मान जीरो आना चाहिए। यदि d का मान जीरो आ जाता है, इसका मतलब होता है कि मूल पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति है, ठीक है। अगर d का मान जीरो नहीं आता है तो इसका मतलब है कि d का ये जिसका जो मूल है वो पुनरावृत्ति नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो यहाँ x स्क्वायर का जो गुणांक है वो 9 है, अर्थात a बराबर 9। यहाँ x का गुणांक माइनस 12 है, मतलब d बराबर माइनस 12, और यहाँ c बराबर 4 है। तो हम d का फॉर्मूला लगाएंगे तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह माइनस 12, तो माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a, a की जगह 9 और c की जगह 4। अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है और 12 का 144 माइनस ये 9 चौका 36 और 36 चौका 144, अर्थात 144 से 144 घटाएंगे तो 0, अर्थात ये जीरो के बराबर हो गया, अर्थात d बराबर जीरो। इसका मतलब ये होता है कि इसका जो मूल है, इसका जो मूल है वो रिपीटेड है, पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दो को हल करेंगे। यहाँ y का जो गुणांक है वो एक है, तो a बराबर हो जाएगा एक, b बराबर माइनस छ और c बराबर हो जाएगा छ। तो अब b बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह माइनस 6 का स्क्वायर माइनस, तो माइनस 4 गुना a की जगह 1 और c की जगह 6। अब माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 चौका 24, अब 6 से 4 घटाएंगे तो 3 से 2 गया 1। यहाँ जो d का मान आ गया वो 0 से बड़ा हो गया, 0 से बड़ा हो गया, अर्थात इसका मूल पुनरावृत्ति नहीं होगा, नहीं होगा, इसका मूल पुनरावृत्ति नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ जो d का मान आ गया वो जीरो से बड़ा हो गया। हमें पुनरावृत्ति तब होता है जब d का मान जीरो होता है। अब क्वेश्चन नंबर तीन को हल करेंगे। यहाँ x के स्क्वायर का गुणांक 9 है, यहाँ x का गुणांक 4 है और यहाँ c बराबर 6 है, अर्थात a बराबर 9, b बराबर 4 और c बराबर 6। तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b के जगह 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a, a की जगह 9 और c के जगह रखेंगे 6। अब 4 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 16 और माइनस ये 9 छक 54 और 54 में 4 से गुना कर लेते हैं तो 4 चौका 16 के हासिल 1, 5 चौका 20 से कर ये 216 हो जाएगा। जब घटाएंगे तो माइनस में ये 200 आ जाएगा, अर्थात ये जो d का जो मान है वो जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा है। तो इसका मतलब है कि इसका भी मूल पुनरावृत्ति नहीं होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर चार। यहाँ y स्क्वायर का गुणांक 16 अर्थात a बराबर 16, यहाँ y का गुणांक माइनस 40 तो b बराबर माइनस 40 और c बराबर हो जाएगा 25। तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b के जगह माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a के जगह 16 और c के जगह हम रखेंगे 25, तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस और 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600।
और ये माइनस, चार से 16 में और 16 से 25, तो 25 चौका 100 से 100 ये हो जाएगा 1600, और 1600 से 1600 घटाएंगे तो हो गया 0, अर्थात ये 0, इसका मतलब d हो गया 0। तो जब d 0 हो गया इसका मतलब है कि इसका मूल पुनरावृत्ति होगा, इसका आंसर होगा हाँ, इसका मूल पुनरावृत्ति होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ x स्क्वायर का जो गुणांक है वो ये है, अर्थात a बराबर 1, b बराबर 6 और c बराबर 9। तब d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, या b के जगह 6 स्क्वायर माइनस 4 गुना a के जगह 1 और c के जगह 9, और 6 का स्क्वायर 36 माइनस 9 चौका 36, 36 से 36 गया 0, अर्थात यहाँ भी जो d का मान हो गया वो 0 हो गया। इसका मतलब है कि इसका भी मूल पुनरावृत्ति होगा, अर्थात यहाँ आंसर जो होगा वो हो जाएगा हाँ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल की समीक्षा करना है, समीक्षा करना है अर्थात हमें ये पता करना है कि इसका मूल वास्तविक है, समान है, असमान है, या इसका कोई हल नहीं है, हमें ये पता करना है। तो यहाँ भी हम एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 4 है, तो a बराबर हो जाएगा 4, x का गुणांक 7 है तो b बराबर हो जाएगा 7 और c बराबर हो जाएगा 2। तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, अब b के जगह 7 तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a के जगह 4 गुना c के जगह 2। अब 7 का जो स्क्वायर होता है वो 49 होता है, माइनस 4 चौका 16 दुना 32, अर्थात 9 से 2 गया 7, 4 से 3 गया 1। यहाँ जो हमें मान मिला वो 17, अर्थात d का जो मान है वो 0 से बड़ा है, यहाँ d का मान 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये होता है कि इसका जो मूल वास्तविक वास्तविक और असमान है, वास्तविक और असमान है या भिन्न है। इसी प्रकार अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो a बराबर 1, b बराबर 10 और c बराबर हो जाएगा 39। तो अब d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, अब b के जगह 10 तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a के जगह 1 और c के जगह 39। अब 10 का स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस 4 * 4 और 4 से गुना करेंगे 39 में, तो 9 चौका 36 के 6 हासिल 3, 4 से 12 और 3 15, अर्थात माइनस में 56। यहाँ d का मान हमें माइनस में 56 मिल गया, जब ये माइनस में आ गया इसका मतलब ये d का जो मान है वो 0 से छोटा है, d का मान 0 से छोटा है, इसका मतलब ये होता है कि इसका मूल इसका कोई हल नहीं है, या इसका कोई मूल नहीं है, कोई हल नहीं है, हल नहीं है, क्योंकि यहाँ d का जो मान है वो माइनस में आ गया। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। यहाँ भी हमें पता करना है कि इसका मूल वास्तविक है या नहीं, तो अब इसे देखते हैं। a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर माइनस 4 और c बराबर 3। तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान माइनस 4 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, माइनस 4 गुना a का मान 2 और c का मान 3। अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 4 का 16, माइनस 4 दुना 8 3 24, घटाएंगे तो माइनस में 8। यहाँ भी जो d का मान आ गया वो 0 से छोटा है, जब d का मान 0 से छोटा है इसका मतलब है कि इसका मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, इसका मूल वास्तविक नहीं है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। यहाँ y स्क्वायर का गुणांक 1 है, अर्थात a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर माइनस 2 बटा 3 और c बराबर 1 बटा 9 हो जाएगा। तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b के जगह माइनस 2 बटा 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a के जगह 1 और c के जगह 1 बटा 9 हो जाएगा। तो माइनस का स्क्वायर प्लस, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, माइनस ये 4 बटा 9। अब 4 बटा 9 से 4 बटा 9 घटाएंगे 0, ये हो गया 0 बराबर 0, अर्थात d का जो मान हो गया वो हो गया 0। इसका मतलब ये होता है
कि इसका मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक और समान होगा, इसका मूल वास्तविक और समान होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल की हमें समीक्षा करना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है 2x² - 6x + 3, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 2, x का गुणांक माइनस और c के तरह थे, अर्थात a बराबर 2, b बराबर माइनस और c बराबर हो जाएगा 3। तो d बराबर होता है b² - 4ac, अब b के जगह -6, तो -6 का स्क्वायर -4 गुना a के जगह 2 और c के जगह 3, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 6 का होता है 36, -4 गुना 8 = 24, जब 36 से 24 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 12, अर्थात यहाँ जो d का मान मिल गया वो 0 से बड़ा है, d का जो मान है वो 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये होता है कि इसका मूल वास्तविक, मूल वास्तविक और असमान होगा, असमान होगा, इसका मूल वास्तविक और असमान होगा। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 2 है, मतलब a बराबर 2, x का गुणांक -5 अर्थात b बराबर -5 और c बराबर -3 है, तो d बराबर होता है b² - 4ac, तो b के जगह -5 का स्क्वायर -4 गुना a के जगह 2 और c के जगह रखेंगे हम -3, तो माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, 5 का स्क्वायर 25, -+ 4 गुना 8 = 24, अर्थात ये हो जाएगा 49, अर्थात यहाँ जो हमें मिला वो d का जो मान है वो 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ भी मूल जो होगा मूल वास्तविक और असमान होगा, असमान होगा, ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। थैंक यू।